तुर्की के गांधी कहे जाने वाले कमाल कलच दारलू रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के नेता हैं, जो इस समय तुर्की की राजनीति में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में हैं। इस पार्टी की स्थापना आधुनिक तुर्की के संस्थापक कहे जाने वाले मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने की थी। ऐसे में इस पार्टी के नेता का अर्दोगान के खिलाफ साझा उम्मीदवार चुना जाना तुर्की की राजनीति के लिहाज से काफी अहम हो गया है। छह पार्टियों के गठबंधन की ओर से साझा उम्मीदवार के रूप में चुने जाने के बाद कलच दारलू के समर्थकों को जश्न मनाते देखा गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने वाले पूर्व लोक सेवक कलच दारलू के लिए तुर्की के छह विपक्षी दलों का साझा उम्मीदवार बनना आसान नहीं था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कलच दारलू के जीतने की संभावनाएं सोमवार को हुए समझौते के बाद बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीते शुक्रवार दक्षिणपंथी पार्टी IYI के विरोध के बाद विपक्ष में फूट पड़ गई थी। लेकिन 72 घंटों तक चली कोशिशों के बाद विपक्षी दल सोमवार को एक बार फिर मिले, जिसमें IYI का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव के तहत इस्तांबुल और अंकारा के मेयर को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की शर्त शामिल है। कलच दारलू ने सोमवार को अपने भाषण में कहा है कि शेष पांचों दलों के नेता भी उपराष्ट्रपति बनेंगे। इससे पहले IYI शुक्रवार को कलच दारलू के जीतने की संभावनाओं पर आशंका जताते हुए गठबंधन से बाहर हो गया था। IYI ने कहा था कि गठबंधन को 2 में से 1 मेयर को उम्मीदवार के रूप में चुनना चाहिए, क्योंकि उनका प्रदर्शन बेहतर होने की संभावनाएं हैं। हालांकि सोमवार को हुए समझौते के बाद IYI ने अपने रुख में बदलाव लाते हुए कलच दारलू का समर्थन किया है। तुर्की की राजनीति पर नजर रखने वाले संस्थान स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी सर्विसेज के प्रबंध निदेशक हकन अकबास ने कहा है, ये अर्दोगान के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक तख्तापलट है, जिसके बाद 14 मई को विपक्षी दलों को निर्णायक जीत मिलनी चाहिए। तुर्की की संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी HDP ने कहा है कि वो कलच दारलू का समर्थन करेगी। ये पार्टी कुर्दों का समर्थन करने के लिए जानी जाती है। इस पार्टी के नेता मिथत संकर ने कहा, हमारी मूल अपेक्षा मजबूत लोकतंत्र की ओर जाना है। अगर हम मूल सिद्धांतों पर सहमत हो सकें तो हम उन्हें राष्ट्रपति पद के चुनावों में समर्थन दे सकते हैं। तुर्की की राजनीति में अर्दोगान को जहां एक करिश्माई नेता के रूप में देखा जाता है, वहीं कमाल कलच दारलू को तुर्की का गांधी या कमाल गांधी कहा जाता है। 74 वर्षीय कमाल कलच दारलू तुर्की के लिए अर्दोगान से हटकर एक अलग विजन पेश करते हैं। हालांकि उनके सहयोगियों को लगता है कि उनमें वोट हासिल करने की क्षमता कम है। फिलहाल कमाल कलच दारलू ने कहा है कि वो तुर्की पर सहमति और सलाह मशवरे के साथ शासन करेंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम शांति के पक्षधर हैं, हमारा सिर्फ एक मकसद है कि हम देश को सुख समृद्धि और शांति के दिनों में लेकर जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो तुर्की में संसदीय व्यवस्था बहाल करेंगे। बताते चलें कि तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान ने साल 2018 में तुर्की में राष्ट्रपति व्यवस्था लागू की थी, जिसके तहत उन्हें असीम ताकतें मिली थी। कलच दारलू के सहयोगी उनकी चुनाव जीतने की क्षमता को लेकर भले ही आशंकित हों, लेकिन उन्होंने अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। उन्होंने दक्षिणपंथी दलों के साथ ही गठबंधन किया है। इसके साथ ही उन्होंने अर्दोगान को चुनौती देने का मानता दिखाया है, जो पिछले कुछ सालों में अपनी आलोचना को लेकर असहिष्णु हो गए हैं।